एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? ए 76वां, बी 77वां, सी 78वां, डी 79वां। आंसर सी 78वां। एक्सप्लेनेशन, 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी, तभी से हर साल इस ऐतिहासिक दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये देखते हुए कि हम स्वतंत्रता के 77 साल मना रहे हैं, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला प्रश्न। अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ए गौरव, बी निर्भय, सी प्रहार, डी शौर्य। आंसर ए गौरव। एक्सप्लेनेशन, DRDO ने 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के Su-30MKI प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण ओडिशा के तट पर हुआ। लंबी दूरी के ग्लाइड बम स्मार्ट बम है जो वायुसेना को ऐसे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं जो पारंपरिक हथियारों की पहुंच से परे हैं। इस बम के सफल परीक्षण से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगला प्रश्न। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी PR श्रीजेश, सी अजय कुमार, डी हार्दिक सिंह। आंसर बी PR श्रीजेश। एक्सप्लेनेशन, हॉकी इंडिया काइट ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के रिटायर गोलकीपर PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। बता दें कि PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। साथ ही श्रीजेश के सम्मान में 16 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में श्रीजेश आखिरी बार उतरे थे। अगला प्रश्न। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? ए 2028 लंदन, बी 2028 मेलबोर्न, सी 2028 न्यूयॉर्क, डी 2028 लॉस एंजल्स। आंसर डी 2028 लॉस एंजल्स। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खत्म हुए 2024 के ओलंपिक खेलों के बाद अब 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होना है। ये शहर तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेगा, पहले 1932 और 1984 में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों में फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया। राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार देउड रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग लगभग 20,000-10,000 साल पहले का है।